लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। तो व्हाट इज थिंकिंग? तो थिंकिंग एक जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, ढेर सारी कॉग्निटिव प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस से क्या मतलब है, यानी कि आपका अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी एंड लर्निंग। तो ये सब कॉग्निटिव प्रोसेस का हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन हमने एक्वायर करी हमारे माइंड के अंदर, जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। और हम जो चीज़ों को परसीव कर रहे हैं ना, उससे भी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में आ रही होगी। तो जो इन्फॉर्मेशन को हम परसीव कर रहे हैं माइंड के अंदर, उसको हम मैनिपुलेट करके हमारे पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे कंपेयर करके, है ना, उससे आप कंपेयर करके उससे एनालाइज करके हम क्या करते हैं, एक कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थिंकिंग। सो थिंकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। जो चीज़ आप परसीव करते हो, है ना, वो किसी स्टिमुलस के थ्रू ही करते हो। आप किसी भी चीज़ पे आपका अटेंशन जाता है, वो चीज़ स्टिमुलस बन जाती है। मेरा अगर ध्यान किसी ऑब्जेक्ट पे गया तो वो ऑब्जेक्ट स्टिमुलस हो जाएगा। तो कोई सी भी चीज़ को अगर आप परसीव करते हैं तो वो स्टिमुलस हो गई, और उस स्टिमुलस को जब आप परसीव करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपके माइंड के अंदर गई। फिर वो इन्फॉर्मेशन को जब आप अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से कंपेयर करके आप क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। तो थिंकिंग क्या है, बीच की प्रोसेस है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो रिलेशन रहता है उसको क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। थिंकिंग के जरिए आप क्या करते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। थिंकिंग इज अ वे वी ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। थिंकिंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ माइंड विच क्रिएट्स न्यू नॉलेज एंड लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंकिंग का मतलब है, आपने अगर किसी चीज़ को पढ़ा, कोई सी चीज़ आपके मेमोरी में गई, तो मेमोरी में कैसे गई, थ्रू अटेंशन एंड परसेप्शन। अटेंशन परसेप्शन यूज करके आपने कोई सी इन्फॉर्मेशन को मेमोरी तक लेकर गए, मेमोरी के बाद आपने उस चीज़ को लर्न किया प्रैक्टिकल वे में। तो ये सब चीज़ जो हो रही है बीच में क्या इन्वॉल्व है, थिंकिंग इन्वॉल्व है ना, क्योंकि आप कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, है ना। अगर आपने कोई नई चीज़ सीखी है तो आप उसके बारे में सोचोगे ना, तो कॉन्शियसली भी सोचते हैं, सबकॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली भी आपका ब्रेन क्या करता है, उसके बारे में सोचता है। तो थिंकिंग क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ माइंड है, जिससे क्या होता है, आप नए नॉलेज को लर्न करते हो, और वो नॉलेज को लर्न करके थ्रू थिंकिंग आप क्या करते हैं उसको प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करना भी सीखते हैं। फिर थिंकिंग इज अ टूल टू इम्प्लीमेंट वॉट हैज बीन लर्न, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिर हम आ जाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं हम थिंकिंग कैसे काम करती है। तो थिंकिंग एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें कि आपका अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग एंड मेमोरी एंड पास्ट एक्सपीरियंस आपका रहता है बच्चों, ठीक है। अब आप सपोज करो कि अगर कोई सा एक्सीडेंट हो जाता है आपके सामने, ठीक है, कोई सा एक्सीडेंट हो गया और दो लोग इंजर्ड हो गए, ठीक है, दोनों को बहुत जोर से लग गई, दोनों अनकॉन्शियस हो गए, तो आप भी भीड़ में खड़े रहे होंगे, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपने जो भी कुछ सीखा होगा लाइफ में अभी तक, आप वो सब चीज़ को क्या करेंगे, वापस अपने कॉन्शियसनेस में लाएंगे, है ना, वापस उसको क्या करेंगे, रीमेमोराइज करेंगे, है ना, वापस क्या करेंगे, आपने जितना भी चीज़ सीखा हो, चाहे मेमोरी से सीखा हो, आप नर्सिंग स्कूल गए होंगे, आप मेडिसिन स्कूल गए होंगे, आप क्या कर रहे हैं, आप पुराना नॉलेज को क्या कर रहे हैं, वापस कॉन्शियसनेस में ला रहे हैं। तो ये सब आप कैसे ला रहे हो, थ्रू थिंकिंग, है ना। आप सोच रहे हो कि मैंने देखा था कि ABC करना है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन चेक करना है, मैंने पढ़ा था अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले हमको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए उसको किसा मेजर इंजरी तो नहीं है, हेड इंजरी तो नहीं है, है ना, उसकी कोई सी वर्टिब्रल कॉलम में इंजरी तो नहीं है, क्योंकि अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होगा तो क्या पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब जो आपने सीखा है ना, जो भी आपकी लर्निंग हुई है पास्ट में, आपका जो भी नॉलेज है, उसको आप क्या कर रहे हो, कॉन्शियसनेस में वापस ला रहे हो। और ये जो इन्फॉर्मेशन आपने लर्न करी होगी कभी पहले, ये इन्फॉर्मेशन को आप लर्न करके मैनिपुलेट भी तो कर रहे हो। तो ये पुरानी इन्फॉर्मेशन को, जो आपका प्रेजेंट अभी सिनेरियो है, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो दोनों इन्फॉर्मेशन को एसिमुलेट करके, मैनिपुलेट करके किसी एक कंक्लूजन पे पहुँचना या फिर ढेर सारे कंक्लूजन तक पहुँचना, ये प्रोसेस होती है आपकी थिंकिंग की। तो आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, अगर आप मेडिकल स्कूल गए होंगे तो आप फर्स्ट एड देंगे, राइट। आप क्या करेंगे, आप CPR देने का ट्राई करेंगे अगर पल्स नहीं मिल रही हो तो, है ना। तो ये सब चीज़ आप कैसे सीखोगे, थ्रू थिंकिंग। तो सबसे पहले आता है आपका कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग आप नाम से समझ सकते हो, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट मीन्स हार्ड, वेरी हार्ड टू डिस्ट्रॉय।
सो कॉन्क्रीट थिंकिंग में आपके ऐसे फैक्ट्स आते हैं, आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जिसको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस टाइप की थिंकिंग आपको किस में दिखेगी? बहुत ही रिजिड इंडिविजुअल्स में। रिजिड यानी कि जिनकी सोच बहुत ही रिजिड हो चुकी है, बिल्कुल ठस, है ना, बोलते ना बच्चा बुद्धि, तो बच्चों में देखने को मिलती है। जो बच्चा 2 से 7 साल तक रहता है, ठीक है, 2 से 7 साल तक के बच्चे में आपको कौन सी थिंकिंग मिलती है? इन जनरल कॉन्क्रीट थिंकिंग मिलती है। ठीक है, कॉन्क्रीट थिंकिंग में क्या होता है, बच्चे को आपने जो चीज बोल दी या फिर बच्चे ने जो चीज समझ लिया वो उस चीज को मान लेगा। ठीक है, कॉन्क्रीट थिंकिंग का मतलब होता है कि आपने किसी चीज को परसीव किया, आपने किसी चीज को ऑब्जर्व किया, वो चीज आपने क्या कर लिया, मान लिया। दैट टाइप ऑफ थिंकिंग इज कॉन्क्रीट थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ इसमें। अभी जब कोविड हुआ था तो उस टाइम पे कुछ लोग थे जिनने क्या ऑब्जर्व किया कि कई लोग तो बाहर घूम रहे हैं, कोविड हो ही नहीं रहा, लोग तो मास्क लगाए बिना घूम रहे हैं, लोग तो पार्टी कर रहे हैं, ये हो रहे हैं, उनको कोविड हो ही नहीं रहा। तो कई लोगों ने क्या जनरलाइज कर लिया कि कोविड जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, है ना, हवा बना के रख दिया है, जबकि ऐसा था क्या। लेकिन कई लोगों की थिंकिंग कैसी हो गई, कॉन्क्रीट हो गई ना, क्योंकि उनने ऑब्जर्व किया, उनने देखा कि उनके कॉलोनी के लोग बिना मास्क से घूम रहे हैं, है ना, मस्ती कर रहे हैं, ग्रुप में घूम रहे हैं, झुंड में घूम रहे हैं, उनको कोविड हो ही नहीं रहा। तो उनने क्या करा, क्या ऑब्जर्व किया कि देखो इनको तो कोविड हो ही नहीं रहा, गवर्नमेंट ने तो लॉकडाउन ला के रखा है। तो क्या हो गया, कॉन्क्रीट थिंकिंग बन गई उनकी। ठीक है, एक ठोस, है ना, जिसको डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल होता है। वहीं अगर हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की अगर बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कंप्लीटली डिफरेंट है कॉन्क्रीट थिंकिंग, कंप्लीटली अपोजिट। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आप क्या करते हैं, ढेर सारे पर्सपेक्टिव्स को यूज करते हो, ढेर सारे लॉजिक्स को यूज करते हो, है ना, डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हो। एक ही कंसेप्ट को जब आप हर डायरेक्शन से समझते हो तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आप इमेजिन करते हो, आप विजुलाइज करते हो, आपके सामने ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी आप क्या करते हो, उसको विजुलाइज करते हो, उस ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हो। सो दैट टाइप ऑफ थिंकिंग इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग थोड़ा सा बच्चों में बाद में डेवलप होता है, बच्चा बाद में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना भी सीख जाता है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, आपके सामने एक पेन दिखा और पेन को मैं अपने पीछे रख दूं, है ना, और बोल दूं पेन भालू ले गया या फिर पेन गायब हो गया, आप मानोगे क्या? नहीं मानोगे ना, क्योंकि आपको पता है पेन गायब थोड़ी ना हो सकता है, आप मानोगे नहीं इस चीज को। आपको अच्छे से पता है कि अगर पेन आपके सामने मैंने दिखाया आपको तो पेन गायब हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन छोटे बच्चों के साथ करो ये चीज, तो बच्चा क्या सोचेगा कि पेन गायब हो गया। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या होता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को परसीव नहीं कर रहे हो, तब भी आप क्या कर रहे हो, उसके बारे में विजुलाइज कर रहे हो, उसके बारे में आप सोच सकते हो। दैट टाइप ऑफ थिंकिंग इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसका हम कोविड वाला एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ लोग ऐसे थे जिनको पता था कि लोग बाहर घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, उनको कोविड नहीं हो रहा, ये उन लोगों को पता था। लेकिन उनको ये भी पता था कि लोगों की बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, है ना, हॉस्पिटल्स में सीट मतलब बेड ही नहीं मिल रहे हैं, है ना। उनने ये भी देखा था कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स देखी थी, स्टैटिस्टिक्स देखा था उनने, उन्हें डॉक्टरों से बात करी थी, नर्सेस से बात करी थी, तो इनको ये चीज़ तो पता था कि लोग कोविड से मर रहे हैं, बहुत जानलेवा बीमारी है। अब वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ठीक है भैया, जो लोग मस्ती कर रहे हैं वो लोग नहीं मर रहे, हो सकता है उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, या फिर हो सकता है कि वो अभी कोविड के कॉन्टैक्ट में नहीं आए हो। तो इस टाइप की थिंकिंग कौन सी थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन अराइज हुआ, आप किसी रिजिड आंसर पे नहीं फोकस कर रहे हो, आप यू आर ओपन टू मैनी टाइप ऑफ आंसर्स, यू आर ओपन टू कंक्लूसिव आंसर्स। आप क्या चाहते हो, आप बहुत सारे आंसर्स आप चाहते हो, है ना, एक क्वेश्चन का एक आंसर नहीं, जरूरी नहीं है। तो जब आप एक क्वेश्चन के ढेर सारे आंसर्स निकालते हो अलग अलग परस्पेक्टिव से, सो दैट टाइप ऑफ थिंकिंग इज एब्स्ट्रैक्चुअल थिंकिंग। फिर हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का आप नाम से ही आप पता कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग यानी कि कोई सी चीज को आप देख रहे हो वापस से, जस्ट लाइक अ मिरर। फॉर एग्जाम्पल, ये जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है ये पेरेंट्स में होनी चाहिए। जब कोई बच्चा गलती करता है तो पेरेंट्स बच्चों को गलती के लिए पनिश करते हैं, पनिशमेंट देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि पेरेंट्स को पहले देखना चाहिए कि बच्चे ने गलती क्यों करी। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब है कि एक कदम पीछे हटके, जो अकरेंस हुआ है, जो भी सिचुएशन है, उससे एक कदम पीछे हटके जब आप उस सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करते हो, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, अच्छे से उस सिचुएशन क्या करते हो, एग्जामिन करते हो कि ये सिचुएशन अकर क्यों हुई। That type of thinking is reflective thinking. For example, अगर मैं बोलूँ A से B जाना है,
ये तो हो गया, लेकिन ए से बी क्यों जाना है, ए से बी जाने का फायदा क्या है, ए से बी जाने से क्या होगा, उसमें मेरा क्या फायदा, तुम्हारा क्या फायदा, दैट इज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ठीक, समझ में आया? ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग नाम में ही है, आपने सुना होगा, आप नर्सिंग प्रोफेशन से हो, मेडिकल प्रोफेशन से हो, तो क्रिटिकल केयर है ना, सीसीयू है ना, क्रिटिकल केयर यूनिट। तो सीसीयू इन सब का मतलब क्या है ना, सीसीयू का मतलब क्या, क्रिटिकल का मतलब क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग का यहाँ पे मतलब है, सुनना ध्यान से, क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है आपको ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो कि सबसे बेस्ट हो। यहाँ पे आपकी फीलिंग से कोई मतलब नहीं, आपके इमोशन, आपका क्या पास्ट एक्सपीरियंस है, आपका क्या नहीं, आपका जो आपके पास नॉलेज है, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, आपके पास जो डेटा बेस है, आपने जो चीज़ सीखी है, उसको यूज करके आप क्या करोगे, किसी एक सॉल्यूशन तक पहुँचोगे, है ना। जब डॉक्टर किसी पेशेंट को डायग्नोस करता है तो क्रिटिकल थिंकिंग करता है, वो ये नहीं सोचता कि मेरे घर पर लड़ाई चल रही है, इसका गलत डायग्नोसिस कर दूं, या फिर नहीं, उसने जो चीज़ पढ़ी है, जो चीज़ मेडिकली करेक्ट है, जो कि मेडिकली अप्रूव्ड है, जो कि आपका एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है, इन सब चीज़ों को यूज़ करके वो डायग्नोसिस करता है और ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, तो एक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होती है क्रिटिकल थिंकिंग में, क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। आपको सारी स्टेप्स नहीं बताऊंगा यहाँ पे, पर 6 स्टेप्स होती है ना क्रिटिकल थिंकिंग की। तो क्रिटिकल थिंकिंग में आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो, स्क्रूटिनाइज करते हो, एविडेंस देखते हो, आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं आप, अजम्पशंस देखते हो, और ये सब को देख कर आप क्या करते हो, रीजनिंग करते हो, और रीजनिंग करने के बाद ही आप एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आके रुकते हो, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। और ये जो डिसीजन आपने लिया है, ये आपके इमोशंस के ऊपर बेस नहीं है, ये आपके आपके पर्सपेक्टिव के ऊपर बेस नहीं है, आपने जो चीज़ सीखी है स्ट्रिक्टली स्कूल में, चाहे पास्ट नॉलेज, जो भी चीज़ आपने फॉर्मल एजुकेशन गेन किया है, वो फॉर्मल एजुकेशन को यूज करके जब आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हो, तो दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। अगला हम देखते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये मेरा फेवरेट टाइप का थिंकिंग है। दो टाइप के थिंकिंग आपको बड़े पसंद आने वाले हैं, एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। तो अभी मैं आपको कन्वर्जेंट समझा देता हूं। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि मर्ज होना, है ना, दो चीजों का मर्ज होना। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम क्या करते हैं बच्चों, कि सपोज करो, है ना, सपोज करो कि कहीं पे कुछ क्राइम हो गया और पुलिस ने 10 लोगों को पकड़ लिया, है ना, डिटेक्टिव लोगों ने 10 लोगों को पकड़ लिया। अब 10 लोगों में से किसी एक लोगों ने क्या किया होगा, मर्डर किया होगा, है ना, मर्डर तो किसी एक ने किया होगा। आपके पास 10 लोग हैं, तो उन 10 में से आप लोगों को छाटोगे ना धीरे धीरे, है ना, इसने नहीं किया, उसने किया, किसी एक ने किया, आपको किसी एक पर्सन को छानना है उसमें से, उन 10 लोगों में से। तो दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। आउट ऑफ मैनी अदर ऑप्शंस यू हैव टू फाइंड वन बेस्ट आंसर। जब आप मैथ्स करते हो, मैथ्स में आप क्या करते हो, इक्वेशंस बहुत बड़ी बड़ी रहती है, अलजेबरा अगर आपने कभी किया होगा तो बहुत सारी इक्वेशंस रहती हैं, पॉलीनोमियल इक्वेशन, ये इक्वेशन, बड़ी बड़ी इक्वेशंस रहती है। जैसे जैसे आप सॉल्व करते हो स्टेप बाय स्टेप, क्या होता है, इक्वेशंस छोटी होती जाती है ना, तो आप क्या कर रहे हो, मोर टू लेस की तरफ जा रहे हो ना। सो कन्वर्जेंट थिंकिंग इज मोर टू लेस, ज्यादा से कम की तरफ जाते हम। जब आप मैथ्स करते हो तो एक ही आंसर आता है ना, इतनी बड़ी इक्वेशन का सिर्फ एक आंसर, तो आपने कौन सी थिंकिंग लगाई, आपने कन्वर्जेंट थिंकिंग लगाई। कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को रिड्यूस कर देते हैं, इतना रिड्यूस करते कर देते हैं कि हम किसी एक कंक्लूसिव आंसर तक पहुंच पाए। सो दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। फिर आता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग का भी आप एग्जाम्पल जैसा समझ सकते हो, कभी अगर आपने चेस खेला है, अगर आपने चेस खेला हो, तो अगर सामने वाला ओपोनेंट घोड़ा चल देता है कभी, तो आप क्या सोचते हो, घोड़ा क्यों चला, क्या इसके पास उसे अटैक है, क्या इसका घोड़ा किसी चीज को डिफेंड कर रहा है, क्या इसका घोड़ा किसी चीज को अटैक कर रहा है, इसने अगर घोड़ा निकाला है तो क्या मेरा कोई सा ऐसा वीक पॉइंट है जिसको ये अटैक कर सकता है मेरा ओपोनेंट। तो देखो, ओपोनेंट ने एक चाल चली, आपने कितने सारे आइडियाज निकाल लिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, आपके पास एक क्वेश्चन से आप ढेर सारे आइडियाज निकालते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे कल घूमने जाना है, तो मेरे पास ढेर सारे ऑप्शंस है ना बच्चों, मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ, वहां पे भी जा सकता हूँ, मैं खाने पीने भी जा सकता हूँ, मैं लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकता हूँ, मैं हो सकता है घर पे बैठ के गिटार बजा लूँ, मैं घर पे बैठ के पियानो बजा लूँ, मेरे पास ढेर सारे ऑप्शंस है,
पर मेरा क्वेश्चन तो एक था ना, मुझे कल क्या करना है, ये एक क्वेश्चन है, लेकिन इस एक क्वेश्चन के ढेर सारे आपके पास क्या है, आंसर्स और सॉल्यूशंस है। सो दैट टाइप ऑफ थिंकिंग इज डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, जिसमें आप एक क्वेश्चन से ढेर सारे आइडियाज की तरफ जाते हैं। ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों, दो ट्राइंगल बने हैं, जो पहला आप ट्राइंगल देख रहे हैं दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, और जो दूसरा ट्राइंगल है वो एग्जाम्पल है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसमें आप एक क्वेश्चन से ढेर सारे आइडियाज की तरफ गए, और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है उसमें आपने ढेर सारे आपके जो आइडियाज थे या फिर सॉल्यूशंस थे उसको आप नैरो डाउन करके किसी एक कंक्लूसिव आप डिसीजन पे पहुंच रहे हो। अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर स्टेजेस ऑफ थिंकिंग। तो क्या होता है कि जो थिंकिंग होती है ना वो धीरे धीरे इंप्रूव होती है। जैसे छोटा बच्चा रहता है उसमें परसेप्चुअल थिंकिंग ही रहती है, परसेप्चुअल थिंकिंग यानी कि ऑब्जेक्ट को देखा और ऑब्जेक्ट को देखकर रिस्पॉन्ड किया, ये एक छोटे बच्चे की थिंकिंग ऐसी होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी थिंकिंग भी क्या होती है, इंप्रूव होती है, परसेप्चुअल से एब्स्ट्रैक्ट तक जाता है, एब्स्ट्रैक्ट से फिर प्री ऑपरेशनल तक जाता है, फिर प्री ऑपरेशनल से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेज बाय स्टेज होता है, अकॉर्डिंग टू एज होता है। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा थिंकिंग का, फिर थिंकिंग इसके बाद खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये चार स्टेज है बच्चों, बस चार स्टेज तुम याद कर लो। ठीक है, ये तुमको हर जगह काम आएगा। ठीक है, एमएससी करोगे साइकेट्री में तब भी तुमको ये चीज काम आने वाली है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला स्टेज होता है सेंसरी मोटर स्टेज, ये जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चों में रहता है। अब मेरी बात ना ध्यान से सुन लो, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज नाम को आप है ना समझ लो अच्छे से, सेंसरी प्लस मोटर। बच्चा जो भी सेंस करेगा अपने 6 सेंस से उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, यानी कि मोटर एक्टिविटी करेगा। आ रहा है समझ में, बच्चा जो सेंस करेगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, मोटर एक्टिविटी करेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंसरी मोटर स्टेज। बच्चा जो भी सेंस को परसीव करता है, जिस भी सेंस से परसीव करता है, उसके बाद ही वो क्या करता है, एक्टिविटी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चे को अपनी उंगली हाथ में दोगे तो बच्चा ग्रेस्प कर लेगा, फिंगर रिफ्लेक्स। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट के पास लेकर जाओगे तो वो निप्पल को सक करना चालू कर देगा, राइट, सकिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स। तो बच्चा क्या करता है, जो सेंस मिलता है उसको, जो सेंस वो परसीव करता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो मोटर एक्टिविटी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बच्चा 2-3 महीने का है तो आप बच्चे साथ ऐसा अगर हंसोगे तो बच्चा भी आपको देखकर हंसेगा, बच्चा इमिटेट करता है, बच्चा कॉपी करता है आपको। और अगर थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो चीज़ों को ना पकड़ना चालू कर देता है, जो ऑब्जेक्ट उसको पसंद रहता है उसकी तरफ क्रॉल करने लग जाता है। कोई सा टॉय है जिससे आवाज़ आती है तो बच्चा उसकी तरफ क्रॉल करेगा। तो दिस इज सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, सेंस जो भी उसका है ना, विजन हो सकता है, हियरिंग हो सकता है, टच हो सकता है, इन सब सेंस को यूज करके क्या करता है, बच्चा मोटर एक्टिविटी करता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो लास्ट स्टेज रहती है इसकी मोटर, सेंसरी मोटर स्टेज में, जो कि है कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन स्टेज, इसमें बच्चा पूरी तरीके से अपनी जो सेंसरी मोटर जो स्किल्स है उसको कंट्रोल कर लेगा। बच्चे को ऐसा खिलौना पसंद है, बच्चा वहां तक जाएगा, क्रॉल करते उसको हाथ में लेगा, उसके साथ खेलेगा, उसको रख देगा। दूसरा खिलौना पसंद आया, उस वहां तक जाएगा क्रॉल करते हुए, चलकर है ना, रेंग कर उस खिलौनों को पकड़ेगा, खेलेगा और रख देगा। सो दैट इज योर सेंसरी मोटर स्टेज। उसके बाद आपकी आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि रहती है 2 से 7 साल तक बच्चों के बीच में। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो रहता है वो लैंग्वेज सीखता है, सिंबल सीखता है, गेस्चर सीखता है ना। छोटा बच्चा जो रहता है थम्स अप का साइन समझ जाता है, मार पड़ेगी ऐसा अपने हाथ से जब करते हैं बच्चा समझ जाता है कि ऐसा अगर अपने हाथ ऐसा किया कि मार पड़ेगी तो बच्चा समझ जाता है कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। तो बच्चा गेस्चर सीख जाता है, सिंबल सीख जाता है, लैंग्वेज सीख जाता है ना, 2 से 7 साल का बच्चा ये सब सीख जाता है ना। तो क्या होता है बच्चे के अंदर इस एज में क्या क्या डेवलप होता है, तो ईगो सेंट्रिज्म डेवलप हो जाता है। बच्चा सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखता है, पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चा सिंबल यूज करने लग जाता है, ठीक है, बच्चा वर्ड्स यूज करेगा, बच्चा लैंग्वेज यूज करेगा। मेंटल रिप्रेजेंटेशंस, बच्चा जो कार्टून देखता है उसके माइंड में एक इमेज बन जाती है। अगर उसने डोरेमोन देखा, नोबिता देखा, जियान देखा डोरेमोन के अंदर, तो हो सकता है वो किसी एक किसी पर्सनैलिटी को या फिर किसी एक किसी उसका जो कैरेक्टर उसको जो पसंद होगा उसको वो इमिटेट करेगा। उसके माइंड में मेंटल इमेज बन चुकी है कि हाँ मैं नोबिता जैसा हूँ या फिर ये जो मेरा फ्रेंड है वो जियान जैसा है। तो डेट इज अ मेंटल इमेज, 2 से 7 साल के बच्चे में मेंटल इमेज का डेवलपमेंट होता है। फिर आता है आपका एनिमिज्म।
एनिमिज्म में क्या होता है, बच्चा किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को कॉन्शियस मानता है, है ना। नॉन लिविंग थिंग को क्या मानता है, कॉन्शियस, यानी कि जो बच्चे का टेडी बियर होगा, बच्चे की कोई किसी बच्चे की बारबी डॉल होगी, तो क्या करती है लड़कियां, क्या करती है, बारबी डॉल को सजाती है, उसको तैयार करती है। लड़के लोग क्या करते हैं, अपने टेडी बियर को खाना खिलाते हैं, अपने साथ सुलाते हैं, उससे बात करते हैं, तो दैट इज एनिमिज्म। ठीक है, सेंट्रेशन क्या होता है, बच्चा क्या करेगा, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक ही नजरिए से देखेगा। ठीक है, अगर उसने देख लिया कि अगर एक छोटा बच्चे की मैं बात करूँ, 3 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके पेरेंट ने बताया कि जो चार पैर वाला आपको दिख रहा है सामने जानवर, वो डॉग है। हो सकता है वो बच्चा जब बिल्ली को देखे तो बिल्ली को भी देखकर क्या बोलेगा, डॉग। दैट इज सेंट्रेशन, एक कंसेप्ट को सिर्फ एक की नजर से देखना। बच्चे के हिसाब से क्या है, हर वो जानवर जो चार पैरों से चलता है वो कुत्ता है, है ना, वो टॉमी है। तो अब वो हाथी को देखेगा तो हाथी भी टॉमी है, जिराफ को देखेगा जिराफ भी टॉमी है, है ना। जो भी जानवर चार पैरों से चल रहा है उसके लिए टॉमी ही है। सो दैट इज सेंट्रेशन। फिर आता है इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, बच्चों को कॉज एंड इफेक्ट का मतलब समझ में नहीं आता, है ना। बच्चों को लगता है कोई सी चीज टूट गई तो वापस जुड़ जाएगी, है ना, इसलिए बच्चे चीजें तोड़ देते हैं। बच्चों को रियलाइज ही नहीं होता ना कि हमने ये चीज तोड़ दी, दोबारा जुड़ ही नहीं पाएगी। 3-4 साल का बच्चे को ये सब चीजें नहीं पता होती। ठीक, सो दैट इज योर इरिवर्सिबिलिटी, है ना। बच्चों को इस चीज का कंसेप्ट नहीं पता होता, धीरे धीरे डेवलप होती है। फिर हम देखते हैं थर्ड स्टेज, जो कि है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इस स्टेज में बच्चा लॉजिकल रीजनिंग करना सीख जाता है। बच्चा क्या करेगा, मैथ्स करना सीख जाता है, मैथ्स सॉल्व कर लेता है, अपने माइंड में कुछ कुछ कंसेप्ट्स फॉर्म करके अलजेब्रा सॉल्व कर लेता है, है ना। इस जब ये स्टेज पे बच्चा पहुंचता है ना 7 से 12 साल की एज में, तो बच्चे को कंजर्वेशन समझ में आता है। कंजर्वेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि उसको वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है वो समझ में आ जाएगा, जो मास का रिलेशन होता है वो अब अगर तुमको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि क्या वॉल्यूम क्या मास, तो एक सीधी सी बात है, एक जो छोटा बच्चा होता है उसको कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी चीज कम है वो कैसे समझता है, उसके साइज से। ठीक है, एक छोटे बच्चे को अगर तुम, है ना, 7 साल से छोटे बच्चे को अगर तुम थाली में, छोटी थाली में खाना दोगे, नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि छोटी थाली में खाना ज्यादा दिखता है। लेकिन अगर आप एक छोटे बच्चे को बड़ी थाली में खाना दो सजा कर, है ना, इस कोने में लड्डू, इस कोने में रोटी, इस कोने में दाल, तो बच्चा क्या देखेगा, देखो स्पेस डिवाइडेड है ना खाने के बीच में, यानी कि खाना कम है। और सेम खाने को अगर आप छोटी थाली में रखोगे तो क्या करेगा बच्चा, ये तो बहुत ज्यादा खाना है मैं नहीं खाऊंगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है छोटे बच्चों में रहती है ना, 7 साल से छोटे बच्चों में। लेकिन जब बच्चा 7 साल से बढ़ जाएगा तो उसके अंदर कंजर्वेशन आ जाएगा, उसको पता है कि दो रोटी चाहे तुम छोटी थाली में रखो चाहे बड़ी थाली में रखो, वो दो रोटी ही रहेगी। वैसे पानी का भी एग्जाम्पल है ना, आप बच्चों के सामने 2 ग्लास लो, है ना, 1 ग्लास बड़ा लो, 1 ग्लास छोटा लो, बड़े ग्लास में भी उतने पानी डालो, छोटे ग्लास में भी उतने पानी डालो, तब भी बच्चा बोलेगा कि जो बड़ा ग्लास है उसमें पानी ज्यादा है, क्योंकि बच्चे में कंजर्वेशन नहीं है। जैसे बच्चा 7 साल से बड़ा होता है उसके अंदर कंजर्वेशन वाली एबिलिटी आ जाती है। ठीक है, बाकी टॉपिक जो है ये क्लासिफिकेशन सेरेशंस, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। फिर हमारा जो लास्ट स्टेज है ये है हमारा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 साल से लेकर आपके 3 एज तक आपका रहता है, 17-18 साल तक रहता है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या करता है, लॉजिकल रीजनिंग करना सीख जाता है। बच्चा जो है वो कॉन्शियस लेवल पे साइंटिफिक रीजनिंग करना लग जाता है, है ना। एक जो बच्चा है उसके अंदर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट रहता है वो ऑलमोस्ट जितना होना चाहिए उतना कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो है हाई लेवल मैथ्स कर लेगा, है ना, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को इमेजिन करके उसका सॉल्यूशंस निकाल सकता है, है ना। तो ये सब चीज क्या हो जाएगी, बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएगी, उसके अंदर बच्चे के अंदर लॉजिक आ जाएगा, है ना। बच्चा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, जो उसने नॉलेज स्टोर किया, जो भी उसने बचपन से लेकर अभी तक पढ़ा होगा वो सब उसके नॉलेज में होगा, वो सब इन्फॉर्मेशन यूज करके वो क्या कर सकता है, नए नए कंक्लूजन तक पहुंच सकता है। सो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, जो बच्चा है वो एडल्ट बनने के डायरेक्शन में बढ़ जाता है। ठीक है, अब वो ऑलमोस्ट एडल्ट हो चुका है, 17 ईयर का लड़का जो है, 17 साल का कोई लड़का है, तो व्हेन ही विल बिकम 18 ही विल बिकम एन एडल्ट। तो उसके पास वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका है, उसने लर्निंग कर ली, उसने मेमोरी कर लिया, उसने जो फॉर्मल एजुकेशन होता है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो जितना कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, जितना आईक्यू बनना चाहिए था, वो 18 साल तक बन जाता है। ठीक है,
जो मेजर आईक्यू जो बनता है 18 साल तक बन जाता है, 2021 के बाद आईक्यू इतना ज्यादा कुछ खास इंप्रूव होता नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो 17-18 साल तक उसके जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उससे पता चल जाता है ना। ऐसा नहीं, कभी नहीं होता कि बच्चा 18-20 साल का हो गया उसके बाद वो एक्सलेंट बन गया, वो अलग बात है कि उसको अपनी फील्ड बाद में पता चली, पर इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ जो आईक्यू का डेवलपमेंट होता है, इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट होता है वो 18 साल तक हो जाता है। क्लियर है? तो डेट वॉज योर स्टेजेस ऑफ थिंकिंग। सो आई होप आपको समझ में आया मेरा लेक्चर।